अब ड्रोन आया ही है तो मचाना तो पड़ेगा ना ब्रो। तो सोचा चलो आज कोई ऐसा एरिया ढूंढता हूं जहां पे मैं प्रॉपरली ड्रोन उड़ा सकता हूं विथ परमिशन और वहां के देखाओं का नजारा ले सका हूं। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूं और सोचा मैं अकेले ही जा रहा हूं तो बाकी लोगों को भी साथ में लेते हैं, वो भी अपना व्लॉग बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कि नहीं। तो दो तीन लोगों को कॉल किया है, जितने भी अवेलेबल हो गए उनको लेके, भाई तुम्हारा चला ड्रोन उड़ाने, सारी चीजें मतलब बैटरियां, तीन बैटरी में तकरीबन 30 मिनट का आराम से बैकअप मिलेगा मेरे फ्लाइंग के हिसाब से, और मैं इससे उड़ाने वाला हूँ, नॉट इन मैनुअल मोड, क्योंकि मैनुअल मोड बहुत ज्यादा हार्ड है। मैनुअल मोड में काम 25 हो सकता है ड्रोन का, स्पोर्ट्स मोड में हम उड़ा सकते हैं तूफानी तेज तर्रार रफ्तार से। ओ ये, तो डायरेक्टली आप लोकेशन पे मिलते हैं, मैं करता हूँ ये पैकिंग। A few hours later. क्या बोल रहे पत्ते जी? मैं क्या बोल रहा हूँ पत्ते जी, आप बुक क्यों नहीं गए दो दिन से, मतलब रात को रहने गया था। हाँ। कल मैं वापस करने वाला था मैं अच्छा अच्छा, अभी जो बोल रहे थे कैमरा चालू होने से पहले वो बोलिए ना कि डेविल अपने मूड में रहता है, चार्ली अपने मूड में, चेतन को किसी को लेना देना नहीं है, और चार्ली रिहैब सेंटर में उनका कुछ लेना देना नहीं रहता। चेतन भाई है वो उनने सुधार नहीं, चेतन भाई अपने करियर को लेके इतना फोकस है कि वो सिर्फ उनका स्ट्रीम और वो खुद का लाइफ उतना ही देखते हैं। चाकू जी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं उनका, अब मैं रहता हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरे को बताओ आपकी मैं। और बच्चा कुचा श्रीमान वो बस ड्रोन उड़ाते रहता है। दोस्तों ये टॉपिक खत्म नहीं होने वाले, लेकिन हमने लोकेशन बदल दिए, एक लोकेशन थी जहाँ पे पानी है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि पानी वाले इलाके में मत लेके जा ड्रोन, विषय क्लोज हो जाएगा तेरा। और मुझे भी फिलहाल जिस तरीके से ग्रह फिर गए हैं उस हिसाब से लग रहा है कि विदाउट पानी वाला इलाका ही ड्रोन के लिए सफिशियंट है। तो बैटरी बैटरी चार्ज करके भाई निकल चुका है, कंपा कंपा गड़गंपा। ये देखो इलाका, आए अप्पा अप्पा यड़गप्पा इलाका मलते, ये इलाका बादशाह है। यहाँ पे देखो ये ड्रोन, अभी काम 25। तो अभी ड्रोन में उड़ा रहा हूँ, रुम्बा रुम्बा गड़गुम्बा, साले उन में रखेगा ना तो ओवर हीट होगा तुरंत, काम 25 होगा उसका। तो अभी मैं ड्रोन चालू करता हूँ और इसको मैं मैनुअल मोड में नहीं उड़ा सकता हूँ क्योंकि मेरी लायकी नहीं है, फिलहाल मैनुअल मोड सीखना पड़ेगा, लेकिन एक सेमी मैनुअल मोड है उसमें मैं उड़ाऊंगा। रुम्बा रुम्बा गड़गुम्बा, गे, एक पलटी वक्त गोलंडी उड़ी एक, ठीक है थोड़ा लाम करू। अभी ड्रोन एक कलाकृति दिखाने जा रहा है, एक तो जगेगा नहीं तो मरेगा, दोनों में से देवा माला शक्ति दे। हम लोग ना इधर यही देख रहे हैं कि ये उल्टी कब मारेगा। हाँ। अरे जमीन को टच हुआ था, अरे नहीं अरे थोड़ा पास में उल्टी मारो ना, अरे पता किती कठिन है तुला कल्पना, मी तो पलटी झाला पलटी झाला, आपण तो खालती आपटला आणि वरती उचलला, टेकला ना खाली तो बघ। गाइस ड्रोन का एक पंख तुटला, एक पंख तुटला। गाइस ये देखो क्या कांड हो गया, पात आहे ना आपल्याकडे एक्स्ट्रा, फक्त पाती तुटले ना। हाँ अरे यार मैं आणायला पाहिजे होत्या, मग येऊ नये कुठून आणू, इथेच थांबतो भाई। ये देखो मत्ती मोल हो गया पत्ते की वजह से, ये जो हुआ है ये पत्ते की वजह से। मैं एक टाइम बोला और पास में उड़ाने बोला था, मैंने बोला था ये पलटी में, इसने ड्रोन पलटी एक बार मारा, सेकंड मस्ती में एक टप्पा आउट हुआ, सेकंड मस्ती का नहीं मी कंट्रोलच करत होतो त्याला, बघितलं ना किती कठीण आहे याच्यात मॅन्युअल मध्ये। ऍक्च्युअली सीन काय माहितीये का, तो असा उडतो ना असा,
तो असं असं झालं तो बंद होतो. मॅन्युअल मध्ये काहीही बंद होई बात नाही जोपर्यंत शेवटचा श्वास घेत नाही. ही एवढा साफ केलेला परत घेत झाला रे. पण बाकी काहीच नाही ना नुकसान असं बघू. चेकिंग नाही फक्त ती पात तुटली. पात कशी काय तुटली? पण सापडली असेल. निघाली ती. अरे नाही निघाली ती डायरेक्ट खरं याच्यातनं. कुठं गाय पात? ठीक आहे ना ब्रो, पात तो आहे. आपले पास चार आहेत. पाती चार पाती आहे. पण पाती लाने के लिए घर जाना अभी जा रहा हम रुकते छाव में. पटक से लेके गाड़ी से जा. अरे ये ड्रोन के खासियत टप्पा ही है. टप्पा नहीं है, उल्टा फुलटा है. टप्पा नहीं करून तुला सांगू. मी जो ड्रोन शिकलो ना मैन्युअल मोड मला तो हा तो मच्छूल मैन क्या बोलना का अपना रिपेरिंग मैन तो बोलला की भावा 6 महीने लगते ड्रोन शिकायला नॉर्मल माणसाला. तू गेमर आहेस तू लवकर शिकशील. पण खूप कठीण असते ड्रोन. पण ड्रोन आहे ना ड्रोन इथे नाही शिकत कोण. ग्रास असलेला एरिया पाहिजे. ग्रास हे खूप रिस्की आहे. काय हे एवढी सुंदर जागा आहे. सगळीकडे बाटल्या बिटल्या पडलेल्या दारू. अरे तुम्ही दारू पिता ठीक आहे प्या. हा तुमची लाईफ आहे. पण भावा त्या बाटल्या सोबत घेऊन जाऊन कचरा पेटीत टाकायला नाही. इथे जाऊ तुम्ही बाटल्या ठेवता. एकदम गाडी जाते माणसं जातात त्यांच्या पायात दात जाऊ शकते. गाडीने दाचं पुटतात पसरतात. जर जंगली जनावरांना लागतात काय फालतू पण आहे हा. यायची यांचा राग येतो. A few hours later. पुन्हा एकदा मॅन्युअल मोडचा नाद करूया ब्रो. गाडी में स्पेयर बैटरी चार्जिंग चालू हो गई है और फिर से हम आ गए मार्केट में. हवा बहुत ज्यादा यहाँ पे. पहले तो फिर से एक बार मॅन्युअल मोड का ट्राय तुमको दिखाता हूँ. जे होईल ते जाईल. आता साल्टी गेली तरी चालतील. रुबाब कमी ना झाला पाहिजे तसा काही प्रकार झालेला आहे. आता जस्ट पाती तुटल्या लगेच ताबडतोब पाती ऑर्डर करून मागवण्यात आले. लागणार नाही ना. तू बघत नाही ड्रोन किती वाकडा चालतोय बघ ना. हा मला ते ना यांनी ना काहीतरी पाती दुसऱ्याची बेंड लावली लावली. नाही रे बघ एवढा तो फिरला ना स्टेबल वेगळी लावली. अरे वाऱ्यामुळे कारण. अरे इथे दिसतंय वारा येतोय ते मला सरकार सांगतायत ते वारा वन साइड आहे. दरीमध्ये घेऊन जा. दरीमध्ये गेलो. कुठे मला ते कुठे गेलो ड्रोन? गेलो दरीमध्ये. काय शूट करतो तू? काय मूवी शूट करतो का 3 तास? खायची घटका हाताला स्पर्श झाला. अभी पतू द बॉय ड्रोन चला रहे. इसको एक्चुअली प्रैक्टिस है. इसके पास पहले से ड्रोन है. ले पतू
ले फर्स्ट फ्लाइट ले मेन और ये गया तो मजा है भाषा उड़ा रहे पता ये तो है अपनी ड्रोन की तो अभी देखो डायरेक्ट पावर अप करके पूरा डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत प्यारा व्लॉग जो प्रोवाइड करना है मेरी जाने बाहर भाई तो ये सब गैंग आ रही है अभी उनको भी एक्साइटमेंट इतनी कि बूट कैंप से इतनी दूर यहाँ पे आ गए खास ये देखने के लिए तमाशा तो अभी हमने बैटरी भी चार्जिंग करने के लिए खास गाड़ी चालू रखी है और स्पेशली पत्या ने 1000 रुपए का डीजल अपने खिस्से से भरा है बोल रहा है कि गाड़ी चालू रहनी चाहिए लेकिन चार्जिंग कंटिन्यू करेगा और करण ने 10-10 रुपए की 2 जीरा सोडा बॉटल आनी कुत्ते ने ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन चा ध्यान झालं होतं ड्रोन एकदम मेला जिवंत केला घेऊन त्यांना एकदा दाखव ना मॅन्युअल करून पडदे खोलू का कारचे असं वाटतं ते थांबलाय ना तिथंच बघायला यायच्या
तुझ्याच इथं घे ते शूट मध्ये येऊ दे जरा, तुझ्याच इथं घे आणि थांबव आणि काच करू पकड बच्चा, हीच लाईफ आहे. मेन 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 थोडासा पुढं थोडासा येऊ दे, पाच तोंडाच इथं आला. काम तू बोलल्याशिवाय बंद करणार काय काम नाही, धंदा हे तर करतो. सबने बोला था कि आज उस ड्रोन का आखिरी दिन है. सांडा ड्रोन, सांडा उसका एक पाय टूटा, नया पाय लगा, लेकिन उसके बाद नहीं सांडा ड्रोन. और अभी ड्रोन ओके भाई टाटा में, वहां पे देखो सफारी के ऊपर रखा हुआ है और वो घर जाने वाला है. और उम्मीद करता हूँ आपने जो शॉट्स देखे हो बहुत ही बेहतरीन आपको लगे हो. इससे भी बेटर आपको शॉट्स में ड्रोन के दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैंने रिस्क ले ली ज्यादा. जो भी पॉसिबल था वो दिखा पाया. अब मैं आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक आप चिल करो, ठीक है? बाय बाय मेरी कोबे डोरेमोन, जिंदाबाद राम.